तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमंस के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि डीमंस के पूरे 72 डीमन पिलर हैं और इसके बाद हमें इन डीमन पिलर के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि जैसे जैसे डीमंस की पावर बढ़ती है वैसे वैसे उनकी रैंकिंग भी चेंज होती है। पर यहाँ पर ऐसा 3 डीमन पिलर है जिनकी रैंकिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। इसके बाद हमें इन तीनों डीमन पिलर के बारे में बताया जाता है जो कि सूर्य, चंद्रमा और तारा होता है। इसके बाद हमें सूर्य के बारे में बताया जाता है जो कि डीमन गॉड को बिलोंग करता है और हमें बताया जाता है कि डीमन गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अभी के टाइम में पूरे डीमन कबीले का सरदार है। इसके बाद हमें मून डीमन गॉड के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि जो मून डीमन गॉड है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है पर उसकी पावर डीमन गॉड से कम है जिसकी वजह से वो सेकेंड रैंक पर बिलोंग करता है। और बताया जाता है कि उसकी पावर काफी ज्यादा है और वो अपने पावर का यूज करके पूरे शहर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद हमें थर्ड डीमन गॉड के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि यह तारा डीमन गॉड है और बताया जाता है कि वैसे तो इसके पास में कोई भी पावर नहीं है पर यह पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा डिस्ट्रॉइंग है जिसकी वजह से यह थर्ड रैंक पर बिलोंग करता है। और बताया जाता है कि यह अपने पावर का यूज करके काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी बना सकता है जिसकी वजह से इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए यह थर्ड रैंक पर बिलोंग करता है क्योंकि इसी की मदद से अभी तक डीमन गॉड्स ने अपने दबदबा को बनाया रखा है क्योंकि यह अपने पावर का यूज करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में देख सकता है जिसकी वजह से डीमंस अभी भी अजय हैं। अगले सीन में हमें स्टार डीमन गॉड के उत्तराधिकारी को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के उत्तराधिकारी से कहता है कि हमारा पूरा काम हो चुका है और लगता है कि वो हमारा वेट कर रहे हैं। जहाँ पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। अगले सीन में हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में नेचर की देवी के पैलेस के पास में आ चुका था। जहाँ पर में मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठी होती है, साथ ही हमें रेड प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उसके गोद में होती है। अब मून प्रिंसेस को यहाँ पर देखकर अबाव काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो उसके पास में जाने लगता है। पर हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उसको रुक जाने को बोलती है और इसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर खतरा है। तभी वहाँ पर कार आ जाती है और इसके बाद वो अपने शैडो क्लोन का यूज करके उस पर अटैक कर देती है। पर हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर शील्ड बनाकर उसके अटैक से बच जाता है। तभी वहाँ पर कार अपने डेविल फ्लावर का यूज करके उन पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तभी अबाव वहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर देता है जिससे टकराकर कार काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर वेंगू ना जाती है और वो अपने शील्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है। साथ ही हमें लिन को दिखाया जाता है जो की अपने ग्रेविटी पावर का यूज करके काफी सारे पत्थर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर अबाव काफी आसानी से उसके अटैक को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसके अटैक का यूज करके उसी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। तो अभी हमें वहाँ पर सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा जाता है और इसके बाद वह वेंगुन के साथ में मिलकर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर अबाव की पावर काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से वो उनको ओवर पावर कर रहा था। तभी वहाँ पढ़ाना जाता है और इसके बाद वो उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था और इसके बाद वो अपने सोल्स को समन कर लेता है और उसका यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर अबाव काफी आसानी से उन सभी को मार रहा था। हाउसियान भी आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर अबाव उसके अटैक से बच जाता है और इसके बाद वो एक सोल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हाउचन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो अपने सोलर लाइट टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर अबाव काफी आसानी से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और इसके बाद वो कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम इन तुच्छ मुच्छ अटैक का यूज करके मुझे मार सकते हो। और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हाउचन काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हाउचन उससे कहता है कि तुमने ठीक बोला, हम अपने इस पावर का यूज करके तुमको नहीं मार सकते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है अब तुम मरने वाले हो। और इसके बाद वो कहता है कि हमने अपने काम को पूरा कर लिया है। और इसके बाद वो अपने साथियों को रेडियो जाने को बोलता है। तभी अचानक से अबाव के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है जो देखकर अबाव भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही हमें हाउचन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फॉर्मेशन को पावर देना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें अबाव और स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि नहीं बच पाता और वो उसके अंदर फंस जाते हैं। अब इसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम सभी हमें कैसे पकड़ सकते हो। वही हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैंने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन किया था, तो आखिर मेरी कैलकुलेशन कैसे गलत हो सकती है।
और इसके बाद वो हवचंद से कहता है कि नहीं, तुम इस चीज को अकेला नहीं कर सकती हो, तुम्हारी मदद जरूर कोई सुप्रीम बींग कर रही है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ पर नेचर गॉडेस आ जाती है और वो उनसे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इनकी मदद कर रही हूँ। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। नेचर की देवी आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उनसे कहती है कि तुमने यहाँ के लॉ को तोड़ा है, साथ ही तुमने यहाँ पर काफी सारे निर्दोष लोगों को भी मारा है, तो तुमको आज इसकी सजा मिलेगी। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। पर अचानक से वो दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं और अबाव कहता है कि हमारा काम सक्सेस हो चुका है। तभी हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो चारों पिलर होते हैं उनकी पावर खत्म हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि स्टार डीमन गॉड ने वहाँ पर जितने भी फॉर्मेशन लगाए थे वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी नेचर गॉडेस के टेम्पल होते हैं उन सभी के क्रिस्टल बुझ जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिमोनिक फॉर्मेशन बन जाता है। अगले सीन में हमें अबाव और स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से आजाद हो चुके थे। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उन सभी को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि रिजिस्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो कर नहीं पाते और आखिर में वो सभी पकड़े जाते हैं। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो बताता है कि यहाँ पर जितने भी बेले हैं वो हमारे पावर को शक कर रही है। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान थी और इसके बाद वो कहती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो तुम्हारे प्लान को खत्म कर दिया था। जहाँ पर हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान के बारे में उसको बताता है और बताता है कि मैंने यहाँ पर काफी सारे फॉर्मेशन को लगा दिया था ताकि मैं तुम्हारे फॉर्मेशन को काउंटर कर सकूं। हवचंद भी उसके बातों को समझ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि असल में यहाँ पर जितने भी डीमन थे जो कि चारों टेम्पल के ऊपर अटैक कर रहे थे वो असल में हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और उनका असली निशाना इन चारों टेम्पल को डिस्ट्रॉय नहीं करना था बल्कि यहाँ पर छुपकर फॉर्मेशन को लगाना था ताकि ये जबरदस्ती नेचर गॉडेस को यहाँ पर बुला सके। जहाँ पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर क्या फायदा, आज तुम सभी यहीं पर मरने वाले हो। वहीं हमें नेचर गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अपने फुल पावर का यूज करती है और इसके बाद वो अपने रोप को तोड़ देती है और कहती है कि भले ही आज मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ पर मैं मरने से पहले तुम सभी को मार दूंगी। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करने लगती है और इसके बाद वो अपने गार्डियन को बुलाना स्टार्ट कर देती है जो कि हाल्फ ड्रैगन होता है। वहीं हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करता है और इसके बाद वो दोबारा से उसको पकड़ लेता है। नेचर गॉडेस तो इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। स्टार डीमन गॉड का उत्तराधिकारी उसको बताता है कि जब हम यहाँ पर आने वाले थे तो उससे पहले ही मैंने अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर एक सील लगा दिया था और वो अभी के टाइम में सो रहा है, जो सुनकर वो तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। स्टार डीमन गॉड का उत्तराधिकारी उसको बताता है कि ये मेरा प्लान था ताकि तुम अपने गार्डियन को यहाँ पर बुला सको, क्योंकि जब तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है और इसकी वजह से तुमको पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको पकड़ना स्टार्ट कर देता है, पर तभी हमें हवचंद को दिखाया जाता है जो कि अपने रोप को तोड़ देता है और काफी तेजी के साथ में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो उस पर अटैक करके उसको काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसके बाद वो कहता है कि ये तो तुम ही हो जिसने मुझे इतना ज्यादा मजबूर किया था। तभी अबाव आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या ये बंदा वही है। स्टार डीमन गॉड का उत्तराधिकारी उसको बताता है कि महाराज ये वही बंदा है। और इसके बाद वो इसके बारे में हमें बताना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो मैंने अपने पावर का यूज करके पूरे चीज को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और सारी चीजें मेरे प्लान के हिसाब से चल रही थी और मैंने सब प्रिडिक्ट किया था कि हम यहाँ पर मौजूद लोगों को मारेंगे, जिसकी वजह से नेचर गॉडेस विवश होकर हमारे सामने आ जाएगी। पर यह बंदा एक ऐसा था जो कि मेरे बीच में रोड़ा बन रहा था और ये हमेशा मेरे प्रिडिक्शन को गलत कर दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार यहाँ पर प्रिडिक्शन करना पड़ा और मैंने यहाँ पर टोटल 126 बार प्रिडिक्शन किया, जिसके बाद मुझे एक परफेक्ट प्लान मिला। और इसके बाद वो बताता है कि हमें इस प्लान को पूरा करने के लिए अपने साथियों की बलि देनी पड़ी और फाइनली मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके अंदर यह बंदा भी फंस गया, जहाँ पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि यह बंदा तो नॉर्मल है, तो आखिर यह हमेशा तुम्हारे प्रिडिक्शन को गलत कैसे कर दिया करता था। स्टार डीमन गॉड का उत्तराधिकारी
अधिकारी भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान था, पर उसको इसके बारे में पता नहीं था। और इसके बाद वो उससे कहता है कि मास्टर, हमारा सारा काम पूरा हो चुका है और मैंने जैसा प्रिडिक्शन किया था वो सभी वैसा हो चुका है, तो आप आगे बढ़ सकते हो और जाकर इसको पकड़ सकते हो। जहाँ पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो नेचर गॉडेस को पकड़ लेता है। और इसके बाद वो कहता है कि फाइनली मैंने अपने फादर के काम को पूरा कर दिया और अब मेरे फादर एक गॉड बन जाएंगे जिसकी वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर डीमन गॉड के दोनों ड्रैगन भी आ जाते हैं जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। डीमन गॉड उससे कहता है कि आखिर हमारा काम कैसा चल रहा है। जहाँ पर हमें स्टार डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मास्टर, हमारा काम काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है और ये तो उन पर डिपेंड करता है कि आखिर वो गॉड हेड को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। अगले सीन में हमें अबाव को दिखाया जाता है जिसने अभी भी उसको गले से पकड़ा हुआ था। तभी नेचर गॉडेस उसके हाथों से छूट जाती है और इसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ लेती है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुमको क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से नेचर गॉडेस को पकड़ सकते हो। अब इसकी वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें स्टार डीमन गॉड के उत्तराधिकारी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो वहाँ पर एक सील को बना देता है ताकि वो उसके अटैक से अपने यंग मास्टर को बचा सके। पर हमें दिखाया जाता है कि नेचर गॉडेस वहाँ पर अपने पावर का यूज कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है। अब इसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो नेचर गॉडेस नहीं होती है बल्कि वो हाउचेन होता है। और यहाँ पर इतने देर से अबाव ने जिसको पकड़ा था वो असल में हाउचेन था। वहीं हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि तुमको क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से नेचर गॉडेस को पकड़ सकते हो। नहीं मुन्ना, आज तुम दोनों यहीं पर मरने वाले हो। और इसके बाद वो उन दोनों को अपने टावर के अंदर सेंड कर देता है। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद सोल को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को हॉन्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उत्तराधिकारी के लिए ट्रबल को खड़ा करने की। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करने लगता है और वो उन दोनों को यहीं पर सो जाने को बोलता है। अगले सीन में हमें हाउचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के काम की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर सोल अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दोनों वहीं पर मरने वाले थे। जहाँ पर हमें स्टार डीमन गॉड के उत्तराधिकारी को दिखाया जाता है जो कि अबाव से माफी मांगता है। और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर, मैंने अपने प्रिडिक्शन को गलत कर दिया जिसकी वजह से आपको भी परेशानी में पड़ना पड़ा। और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने प्लान का भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो लगता है कि हमारे यहाँ पर अंत होने वाला है। जहाँ पर हमें अबाव को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो खत्म हो चुका है पर अब मेरा प्लान शुरू होने वाला है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है।